हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है? डिकी गर्ल की बुक से लिया हुआ है। और मैंने आपके लिए क्वेश्चन का गिवन पार्ट लिख रखा है, ठीक है? थोड़ा सा पार्ट छोटा हुआ है, वो भी साथ साथ लिखेंगे। तो एक बार गिवन पार्ट समझें, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है, अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज अंडर। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू करना चाह रही है। ₹10 का एक शेयर है और वो 10% प्रीमियम यानी ₹1 प्रीमियम पे इश्यू करेगी। और पेमेंट कैसे आनी है? उन्होंने बताया है एप्लीकेशन पर ₹3 आएंगे, अलॉटमेंट पर ₹4 आएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी तीन कैपिटल का और ₹1 प्रीमियम का, तो मैंने अलग से लिखा। फर्स्ट कॉल पर ₹2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर ₹2। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 1, ₹11 हमारे पास आ गया। आगे क्वेश्चन हमें कहता है, द होल ऑफ द इशू वॉज कॉल्ड हब फॉर बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। कहता है सारा का सारा पैसा कंपनी ने मंगवाया भी और आ भी गया, एक्सेप्ट यानी कुछ लोगों को छोड़कर सारा पैसा आ गया। कौन है जिनसे नहीं आया? कहता है एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉस्ट मनी ऑन 500 शेयर्स। ये जो 500 शेयर्स हैं, इनसे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं आया। 500 शेयर्स पर नहीं आया ये पैसा। अब नहीं आया तो हम क्या करेंगे? आइए देखें क्या करेंगे। आगे क्वेश्चन बताएगा क्या करना है इसका। दीज शेयर्स वर देयरफॉर फॉरफिटेड। इसलिए हमने क्या कर लिया इनको? हमने इन्हें फॉरफिट कर लिया, ठीक है जी। आइए आगे देखें। फॉरफिट किया है लेटर ऑन, और फिर बाद में क्या किया? रीइश्यू कर दिया एट द रेट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। फॉरफिट करने के बाद इन्हें हमें रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यूड एट द रेट ₹9 एज फुली पेड, ठीक है। ₹9 मंगवाओ और फुली पेड मान लो, यानी कैपिटल में 10 जाएंगे, बैंक में 9 आएंगे। ₹1 कहां से लेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। आगे क्वेश्चन कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो जो ऊपर चीज बताई है इन्होंने, इसके लिए ये हमसे क्या मांग रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए, जर्नल बनाइए। आइए तो सॉल्यूशन पर आ जाए आप लोगों के साथ सीधा। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी पब्लिकेशंस लिमिटेड, ठीक है जी। आइए पहली जर्नल एंट्री करें, एप्लीकेशन का पैसा मंगवाएं इनसे हम। कितना मंगवाना है? ₹3। कितने शेयर है? 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा मंगवा रहे हैं, 50,000 शेयर पर ₹3 के हिसाब से कितना हो गया? 1,50,000 हो गया, ठीक है। 1,50,000 आ गया। इसके बाद नरेशन लिखें, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। सेकंड क्या करें? इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करें कैपिटल में, तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितना ट्रांसफर होगा? पूरा ₹1,50,000, 1,50,000 एप्लीकेशन से निकाले और कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद नरेशन लिख लें, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। चलिए थर्ड एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डेबिट अलॉटमेंट को किया किसके लिए? कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितना पैसा? अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना बनता है? अलॉटमेंट पर ₹4 आने हैं, चार में तीन कैपिटल के लिए आने हैं, ठीक है। चार में से तीन कैपिटल के लिए आने हैं, यानी 50,000 शेयर्स पर ₹3 कैपिटल के लिए आएंगे और 50,000 शेयर्स पर ही ₹1 प्रीमियम के लिए आएगा। तो प्रीमियम यहां डालें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आइए तो कितना हो गया ये? 50,000, और ये कितना हो गया? 1,50,000 कैपिटल में गया। तो टोटल कितना मंगवाना है? ₹2,00,000 मंगवाने हैं अपने शेयर होल्डर से। नरेशन, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की। आइए अब आगे चलें,
यहां से अब पैसा आना है। अब पैसा आना है तो ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन ने बोला है 500 शेयर पर अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आई, तो पैसा जब आएगा 50,000 शेयर में से 500 पर नहीं आएगा, तो कितना आएगा देखें, बैंक अकाउंट डेबिट जो आएगा बैंक में लिखेंगे, और किसके लिए आया है, किस डेटर से आया है, तो डेटर खत्म हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आइए जी, 50,000 में से 500 से नहीं आया तो कितने से आया, 49,500 से आया, 4 रुपए, ठीक है, पूरे नहीं आए उनसे, जो आए 4 रुपए आए, बस 500 पे नहीं आया तो बाकी आ गया। अच्छा मुझे बताइए अमाउंट कितना बनेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना, 1,98,000, 1,98,000, यानी 2,000 रुपए नहीं आए बाकी आ गए, और 2,000 ही बनते हैं, 500 गुना में 4, 2,000 ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए वो नहीं आए बाकी आ गए 1,98,000। नरेशन क्या हो गई, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू करें, आइए लिखें शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसके लिए कॉल किया है, कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, तो कैपिटल क्रेडिट हो गया। कितना पैसा मंगवाना है, यहां पे मंगवाना है 2 रुपए, तो 50,000 गुना में 2 यानी 1,00,000 रुपए, 1,00,000 मंगवाएंगे, पर आएगा कितना, 500 पर नहीं आएगा बाकी आ जाएगा। आइए नरेशन लिखें, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। आइए जी अब आते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन और पैसे आने की बारी पर आए, तो पैसा जो आएगा वो तो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा कॉल का, जो नहीं आएगा उसे एरियर में ट्रांसफर करें, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, और ये दोनों जो पुराना डेटर था फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल उसे खत्म कर दें। आइए कितने से, 50,000 गुना में 2 से ये खत्म हो गया, यानी कितने से खत्म हो गया ये बताइए, 1,00,000 रुपए से खत्म हो गया हमारा फर्स्ट कॉल, और जो पैसा नहीं आया कितने पर नहीं आया, 500 गुना में 2 यानी 1,000 रुपए नहीं आए, तो कितने आ गए हमारे पास, 99,000 आ गए, और आप नंबर पर चाहे तो 49,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए तब भी 99,000 आएगा। अब इसको हम अमाउंट नरेशन और लिख लें, कॉल मनी रिसीव्ड एंड रिमेनिंग इन एरियर ऑन 500 शेयर्स। सेवेंथ जर्नल एंट्री पर आए, सेवेंथ जर्नल एंट्री हम जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे, सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। आइए क्यों करें ड्यू, शेयर सेकेंड और आखिरी है इसलिए नाम डाल देते हैं फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए जी इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा पैसा, कितना वही है 2 रुपए ही है फाइनल कॉल पर भी, तो वो कितना आ गया हमारे पास अमाउंट, 50,000 गुना में 2 यानी कि 1,00,000 रुपए आ गया। आइए 1,00,000 रुपीज, 50,000 इंटू 2 रुपीज, तो डबल हो गया 50,000 का, 2,00,000 रुपए हो गए। सेकेंड कॉल ड्यू किया आपने, ठीक है, अब अगले में क्या करें, पैसा आएगा यहां पर भी 500 ही है, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फर्स्ट कॉल था वैसा ही आएगा, बस नाम बदलेगा, बैंक में पैसे आएंगे फिर 99,000, एरियर में रहेगा 1,000, कॉल इन एरियर अकाउंट 1,000, और डेटर पुराना खत्म, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आइए जी 1,00,000 रुपए का डेटर पुराना खत्म, नया डेटर बन गया कॉल इन एरियर 1,000 रुपए से, और 99 हमारे पास आ गए 99,000। चलिए सेकेंड कॉल मनी रिसीव ये भी हो गया। अब आए फॉर फ्यूचर पर, क्वेश्चन ने कहा है वो जो 500 शेयर जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे किया उन्हें हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। आइए कैंसिल करें नाइन्थ एंट्री में, यहां ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रीमियम का क्वेश्चन है ये, और प्रीमियम में फॉर फ्यूचर जुड़ा है, ठीक है। आइए तो प्रीमियम में फॉर फ्यूचर को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है वो सीख रहे हैं आपके साथ। देखिए शेयर कैपिटल खत्म करनी है क्योंकि शेयर को कैंसिल किया जा रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो प्रीमियम के लिए मैंने आपको जब थ्योरेटिकल बातें की थी तो बताया था प्रीमियम आ गया तो भूल जाओ और नहीं आया तो रिवर्स करो,
इस क्वेश्चन में प्रीमियम अलॉटमेंट पर था और नहीं आया था, तो नहीं आया था तो क्या करेंगे, उसका रिवर्सल करेंगे, आ गया था तो भूलना था, नहीं आया तो रिवर्स करना है। प्रीमियम रिवर्स कैसे होगा, प्रीमियम को जब हमने क्रिएट किया था तो क्रेडिट किया था, रिवर्स कैसे होगा, डेबिट करके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, देखिए अमाउंट कितना आएगा, 500 गुना में 50 कैपिटल का, 500 गुना में ₹1 प्रीमियम का, ठीक है जी, बात क्लियर है ना। तो कितना आएगा 500 गुना में 50, ये बताओ अमाउंट मुझे कितना बताएंगे, जल्दी बताइए कितना बता रहे हैं। अच्छा ₹10, सॉरी 50 पता नहीं, शायद और कुछ याद आ गया होगा, मैं चेंज करता हूं, ये लीजिए जी ₹10 लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 5000 और ये कितना आ गया 500, ठीक है। अच्छा जो आ चुका था वो हमारा इनकम है, हमारे लिए फायदा है, वो कहां ट्रांसफर होगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कितना पैसा आया, इससे केवल एप्लीकेशन का पैसा आया था, और एप्लीकेशन पे कितना बनता था, ₹3 या दो था, ₹3 था, तो यानी इससे आया था हमें 500 पर बस ₹3 आया था, तो 500 पर 3 कितना हो गया हमारे पास ₹1500। क्या क्या नहीं आया, इससे अलॉटमेंट का नहीं आया, अलॉटमेंट हमारा डेटर बना हुआ था ऊपर, खत्म करो क्योंकि अभी पैसा ही नहीं आएगा, शेयर कैंसिल कर रहे हैं, कितने थे हमारा इस पे 500 पे ₹4 का डेटर बना हुआ था अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने दो चीज के लिए डेटर बनाया था, एक तो कैपिटल के लिए, दूसरा प्रीमियम के लिए, तो 3 + 1 ₹4 का डेटर था, खत्म हो गया कितने से, ₹2000 से, ठीक है। आइए आगे चले यहां से, अब इसके बाद हमारे पास कॉल इन एरियर पड़ा है, कॉल इन एरियर भी डेटर पड़ा है और अब वो आएगा नहीं क्योंकि शेयर फॉरफिट हो रहा है, कैंसिल कर रहे हैं, तो कितना था कॉल का पैसा, 2 + 2 यानी दोनों कॉल पे ₹2 थे, ₹4 हो गए कॉल के, ठीक है। तो 500 गुना में 4 ये हो गए यानी ₹2000। अब देखो टोटल, इधर डेबिट में 5500 और ये 4 × 5 क्रेडिट में 5500 यानी हो गया, ये नहीं फॉरफीचर की एंट्री हो गई। नरेशन क्या लिखे, 500 शेयर्स फॉरफीटेड, ठीक है जी, 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब क्वेश्चन ने अगला हमें कहा कि इसे रीइशू करो, आइए रीइशू करें। रीइशू कितने में करना है, क्वेश्चन ने हमें बोला था ₹9 में पर शेयर रीइशू कर दो, क्या मानकर, फुली पेड मानकर, ₹10 मानकर। तो पैसा कितना आएगा पर शेयर, ₹9 आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। नुकसान ₹1 का है, वो कहां यूज होगा, कहां से एडजस्ट होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। आइए ₹1 का नुकसान यहां से एडजस्ट करेंगे और ये सारा पैसा कहां जाएगा, कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसमें सारे शेयर ही फॉरफिट होके रीइश्यू हो रहे हैं तो कैपिटलिज्म में समस्या कम आएगी, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जो क्रेडिट किया था उसमें से डेबिट हुआ है घट गया, जो बचा है सारा का सारा ट्रांसफर कर देंगे। आइए तो देखें, हमारे पास 500 शेयर पर ₹9 आएंगे, 500 गुना में 9 यानी ₹4500, और यहां पर ₹1 का हमने डिस्काउंट दिया तो ये हो गया ₹500। कैपिटल में कितना जाएगा, 500 पर पूरे 10 जाएंगे यानी ₹5000, क्लियर हो गया। रीइश्यू की एंट्री हो गई, 500 शेयर्स रीइश्यूड, हमने उन्हें रीइश्यू कर दिया। आइए इसके बाद हम 11th एंट्री पर चलें। 11th एंट्री के लिए मेरी एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये देखो सारे बच्चे, यहां देखो हमारे पास फॉरफीचर में ₹1500 थे जिसमें से हमने 500 यूज कर लिए, 1500 थे ना क्रेडिट बैलेंस है 1500 का, 500 यूज किया डेबिट कर दिया, बच गया कितना 1000, इस 1000 को सारे के सारे ट्रांसफर कर दो कैपिटलिज्म में क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। आइए लिखिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी, ये लीजिए ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, कितना ₹1000। समझाना हो किसी को तो बता दीजिएगा, 1500 का बैलेंस था उसमें से 500 यूज कर लिए, रिमेनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। चलिए जी ये नरेशन भी हो गई, अब मैं आपको एक बार आप सारी एंट्रीज दोबारा दिखा देता हूं, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। ये लीजिए जी आप दिख जाएंगी आपको सारी एंट्रियां, ये आइए मेरे साथ, ये एंट्री नंबर 1 to 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसके बाद चलिए हमारे पास एंट्री नंबर 5 to 7 मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर, तो क्लियरली दिख रहा है 5 to 7 के बाद, ये देखिए एंट्री नंबर 8 to 10 तो क्लियरली दिख ही रहा होगा, ठीक है 10, और नहीं भी दिख रहा तो ये लो दोबारा से 9 to 11 मैंने आपको दिखा दिया। चलिए जी तो इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।